रायबरेली गेगासो गंगा घाट पर रेत के ऊपर ही दफनाए गए सैकड़ों शवों के मामले में अब रायबरेली जिला प्रशासन हरकत में आया है। लालगंज तहसील धार ऋचा सिंह और एसडीएम विनय कुमार मिश्रा घाट पर पहुंचे। गोगसो गंगा घाट से महज 15 किलोमीटर पर एसडीएम का ऑफिस है, लेकिन जब खबर को प्रमुखता से दिखाया गया तो एसडीएम विनय कुमार मिश्रा आज गेगासो गंगा घाट पर पहुंचे और शवों का नजारा देख मामले पर लीपापोती करते रहे। यही नहीं, अपने सामने भी एक शव को रेत में दफन कराया, जबकि उन्नाव और कानपुर में कोरोना महामारी के दौरान शवों के दफनाए जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। एसडीएम ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि उनकी नजर में सब कुछ ठीक है, केवल घाट पर हल्की फुल्की गंदगी है जिसकी साफ सफाई करा दी जाए। तो साफ सफाई को लेकर जरूर यहाँ पे वो देख रहे हैं कि घाट पे थोड़ा इतनी स्वच्छता नहीं है जैसी अपेक्षित है, तो यहाँ की स्थानीय ग्राम प्रधान जो भी चुने गए हैं जिनको अभी काम उनका प्रारंभ होना है, इनके माध्यम से और ब्लॉक के बीडीओ साहब और पंचायत सेक्रेटरी को निर्देश दिए गए हैं कि एक छोटी कार्य योजना बना के मनरेगा के माध्यम से स्थानीय क्षेत्रीय साफ सफाई कराएं। एक जेसीबी के माध्यम से बड़ा गड्ढा करा के उसमें आसपास जो गंदगी इकट्ठी होती है, लोग पॉलिथीन छोड़ जाते हैं, पानी की बोतलें छोड़ जाते हैं और भी कुछ अवशेष रहते हैं, तो उनको गड्ढों में डालकर गहरे से दबा दिया है ताकि घाट स्वच्छ रहें। और कोई विशेष ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि किसी सबको कुत्ते निकाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनको निर्देशित भी कर दिया गया कोई ऐसा कभी दिखे भी कि कहीं पे मिट्टी थोड़ा कम है तो उसको कृपया मिट्टी डाल के उसको ढक दिया करें, और लकड़ी के अभाव में किसी का जो उनको सवागी देनी है ना दे पा रहे हो तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करा देंगे, किसी को लकड़ी के अभाव में दफन करने की नौबत नहीं आएगी, इतना हम लोग व्यवस्थित कराएंगे। और रायबरेली से हमारे संवाददाता अखिल श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अखिल, इस तरह की तस्वीरें जैसा कि आपने बताया खबर में कि गंगा घाटों पर शवों को कतार से दफनाया गया है, लेकिन जब रायबरेली के डीएम से इस बारे में बातचीत की गई तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? जी बिल्कुल दिनेश, बताना चाहूंगा पूरा मामला रायबरेली के गेगासो गंगा घाट का है, जहां पर अभी हाल ही में कई समाचार पत्रों द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया कि वहां पे भी शव जो गड़े हुए मिले, इनको वहां के जो जीव हैं वो नोच नोच कर खा रहे हैं। कई ऐसे तस्वीरें भी सामने आई थी जिसको लेकर कल रायबरेली डीएम व एसपी व पूरी टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी, हालांकि स्पॉट पे नहीं पहुंची थी, पर उसके बाद जब मौके पर मौका मुआयना करने के लिए वहां पे स्थानीय जो एसडीएम है उनको भेजा गया, तो उनका एक बेतुका बयान सामने आया जिसको लेकर अब काफी चर्चा बन चुकी है। जिस बयान में वो इस बात को साफ करते हुए नजर आए कि कई ऐसे शव हैं जो उनके सामने ही वहां पर दफनाए गए हैं, इस प्रकार का जो डीलर जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं एसडीएम के औहदे को पूरी तरह तार तार करता हुआ रायबरेली में नजर आ रहा है। अखिल, साफ साफ तस्वीरों में ये भी देखा जा रहा है कि वहां पर जो शव दफनाए गए हैं उनको कुत्ते भी नोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इस पर जो वहां के एसडीएम हैं डीएम हैं उनकी नजर नहीं पड़ी? हालांकि इस पूरी तस्वीरों को लेकर भी जहां पूरी चीजें उजागर हो रही है, अभी भी रायबरेली का जिला प्रशासन इन सभी बातों से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं और इस पूरी व्याख्या से अपनी जो कुर्सी है उसको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।